हाय एवरीवन, तो आज हम लोग मुंबई का स्पेशल स्ट्रीट फूड मसाला पाव बनाएंगे। दो तरीके मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने के, जो भी तरीका आपको पसंद हो उससे आप बना सकते हैं। दिखने में पाव भाजी जैसा लगता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है और उससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पाव भाजी से भी ज़्यादा आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक तवा लिया है, तवे को गर्म करके उस पर हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच जितना बटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल डाल सकते हैं लेकिन बटर से जो टेस्ट आता है वो बटर से ही आएगा, वो तेल से नहीं आ पाएगा। लेकिन आप चाहें तो सिर्फ तेल डाल सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा बटर डाल दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो बटर है वो जलेगा नहीं। अगर हम बटर को डायरेक्ट गर्म करेंगे तो फिर उसके जलने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा इसमें ऑयल मिक्स कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं, बटर को मेल्ट होने देते हैं। आप चाहें तो बटर की जगह पर यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ों को गर्म होने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। जैसे हमारा बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक बारीक एकदम चॉप करके ले लिया है। और इस तरीके से हम इसको, हमें इस रेसिपी के लिए एकदम बारीक बारीक ही ये चीज़ें चाहिएंगी जो भी सब्जी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा अलग है। जैसे हम पाव भाजी बनाते उससे थोड़ा सा अलग है, टेस्ट भी उससे अलग आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्याज को हल्का सुनहरा होने तक, यानी कि गुलाबी सा होने तक भूनेंगे। और देखिए प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हो गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को हमने एकदम बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, जो भी सब्जियाँ लेनी एकदम बारीक बारीक चॉप करके लेनी है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने एकदम बारीक बारीक सा चॉप करके ले लिया है। तो ये भी इसके साथ में हम लोग मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ में इसमें एक अच्छा सा तीखापन सा टेस्ट लाने के लिए हमने एक हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। वो हरी मिर्च भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया जाता है, तो आप चाहे तो पेस्ट ऐड कर लें। मैंने इस तरह से चॉप करके ही इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि छोटे छोटे बाइट जब हरी मिर्च के आते हैं तो पीस में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब मार्केट में बनाया जाता है तो वहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसको भिगो करके और उसी के साथ में हम लोग थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डालकर पीस कर उसका पेस्ट भी इसमें मिलाया जाता है। तो अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो आप इस टाइम पर लहसुन की चटनी जो हमें, मैं आपको बताई है, वो आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है, और नहीं तो लहसुन अगर आप लोग खाते हैं तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है। अच्छा, अभी तक आप लोगों को रेसिपी बिल्कुल पाव भाजी जैसी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों उससे काफ़ी अलग है और फ्लेवर टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आता है और उससे बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा मसाला पाव हमारा कैसे बनता है। अब यहाँ पर इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। इसी के साथ में स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे नमक, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा ना रखें, बटर भी क्योंकि पड़ता है इसमें। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर डालने से इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें स्किप कर सकते हैं, अच्छे से कलर के लिए डाला है। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और अब इस रेसिपी का हीरो है पाव भाजी मसाला। तो इसमें हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच भर करके पाव भाजी मसाला इसमें डाल रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा पाव भाजी मसाला डाला है तो पाव भाजी ही बन रही है, जी नहीं, पाव भाजी नहीं बन रही है। लेकिन क्योंकि जैसे तवा पुलाव में भी हम लोग पाव भाजी मसाला डालते हैं, लेकिन वो तवा पुलाव होता है, इसीलिए ये मसाला पाव है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस सारे मसाले मिला करके अच्छे से मिक्स करेंगे, और आप ध्यान रखना है, आप कोशिश कीजिए कि आप तवे पर बनाएं, तवे पर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है। चाहे तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। वैसे तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसको हमें भूनना है यहाँ पर। तो फ्लेम को आप थोड़ा सा लो मीडियम रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई ना रखें और बहुत ज़्यादा लो भी ना रखें, मीडियम फ्लेम रखें। मीडियम फ्लेम पर सभी सब्जियों को अच्छे से पकने देंगे हम लोग, इनको हम बॉईल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको इसी तरीके से पका रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो काफ़ी अच्छे से भुना हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग भाजी बनाते टाइम करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग इसको भी मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से हमें इसको मैश कर लेना है। देखिए इस तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से हम इसको मैश करेंगे, जैसे हम लोग भाजी बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इसको भी मैश करना होगा। तो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से इसको मैश कर लिया है, और अब इसे स्टेज पर जब ये काफ़ी अच्छे से मैश हो जाए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पहले हमने पानी क्योंकि बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, सब्जियों को पहले हमने अच्छे से पका लिया है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने क्योंकि बॉयल भी नहीं किया है, अब इसमें अच्छे से खट्टापन देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 4 छोटे चम्मच भर करके नींबू का रस डाल रहे हैं। इसे बहुत ही टेंगी सा, बहुत खट्टा मीठा सा एकदम फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे आप जानते हैं भाजी जब बनाते हैं तो नींबू का रस तो उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है,
होता है, सेम उसी तरीके से जब हम लोग मसाला पाव के लिए मसाला तैयार करते हैं उसमें भी नींबू डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैशर की सहायता से मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद में हम किसी भी स्पैचुला स्पून की सहायता से इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और क्योंकि हमने पानी अभी डाला है तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको पका लेते हैं। और जब आपको उसको जैसे पार्टीज वगैरह के लिए बना रहे हैं आप, तो इसको बना करके रख लीजिए, जब आपको सर्व करना हो तब आप सर्व कीजिएगा। तो आप जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना करके रख लीजिए। सर्व कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगी। तो यहाँ पर इसको पहले हल्का सा पका लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से हमारा मसाला पक गया है और हमारा मसाला पाव के लिए जो मसाला है वो बन करके तैयार है। अब आपने देखा जैसे हम लोग भाजी बनाते हैं तो उसमें हम लोग उबला हुआ आलू भी मैश करते हैं, बहुत सारा उबला आलू मिक्स होता है भाजी के मसाले में। लेकिन जब हम लोग मसाला पाव बनाते हैं तो उसमें आलू मिक्स नहीं करते हैं, ये बहुत डिफरेंट है, उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मसाला है वो बन गया है। तो अब इसको हमें सर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। दो तरीके मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तरीके के लिए देखिए हमने यहाँ पर दो पाव ले लिए। अब हमारे यहाँ पर इसी तरीके के पाव मिलते हैं, लादी वाले पाव नहीं मिलते हैं। अगर आपको लादी वाले पाव मिल जाते हैं तो आप वो वाले ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होते हैं इस मसाला पाव के लिए। बीच में से स्लिट करेंगे और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ओपन करने के बाद ये टूट जाते हैं थोड़ा, इसलिए इतने बढ़िया नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मसाला है उसमें हम क्या करेंगे, जब हमें सर्व करना है उस टाइम पर आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके गैस को ऑन करके हल्का सा इसको गर्म करेंगे, साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर। और बटर डालने के बाद में इसको अच्छे से हल्का सा भून लेते हैं, कि थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, पानी डाला है ना क्योंकि थोड़ा गर्म करना ज़रूरी है। तो ये देखिए अच्छे से हम बटर के साथ में पानी के साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से गर्म करना है क्योंकि जब हम लोग इसमें पाव ऐड करेंगे तो हमें उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, जब भी आपका एकदम स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट आएगा इसमें। तो ये देखिए अच्छे से गर्म होने के बाद में हम ये देखिए जो मसाला हमारा है उसको इस तरीके से हम फैला लेंगे तवे के ऊपर। ये देखिए जैसे मैंने इसको फैलाया बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको फैला लेना है। और इसके बाद में जो हमारा पाव है, पाव उठाएंगे जहाँ से हमने स्लिट करा है वहाँ से खोल करके पाव को हम इसके बीच में इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए और इसको हल्का सा हम लोग प्रेस करेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा लो मीडियम रखेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसको अब हमें दोबारा से उठा लेना है, अंदर हमारा जो है मसाला काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फोल्ड करेंगे, अब आप इसको चाहे तो पलट पलट कर इस तरह से भी कवर कर सकते हैं, मुझे जो जनरली पसंद है वो इस तरीके से मैं स्पून से थोड़ा सा लेकर मसाला इसके ऊपर से इसको कवर कर देती हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या फिर आप इसको पलट पलट कर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पाव है लादी वाले नहीं है तो ज़्यादा पलटने पलटने से क्या होता है ये टूट जाता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से ही कवर करती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है, ये देखिए बढ़िया सा हमारा पाव बनकर तैयार है। दूसरा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक पाव को मसाले के अंदर नहीं रखना है, नहीं तो आपको जो मसाला पाव है एकदम सौगी सा हो जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए एकदम तैयार है हमारा मुंबई का स्पेशल स्ट्रीट फूड मसाला पाव, जो कि दिखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखिए बनाना कितना आसान है, कोई भाजी वगैरह का आपको इस तरह से झंझट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। और ये देखिए आपको इसमें बस ऊपर से थोड़ा सा बटर डालना है, पाव को अलग से सेकने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से मसाले में एक बार मसाला तैयार किया मसाले में लगाते जाइए और फिर सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो दूसरा तरीका है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो हम दूसरा तरीका भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तो चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पाव लिया है, पाव को हम लोग तरीके से कट कर लेंगे। देखिए जैसे मैं इसको बीच में से स्लिट किया है पहले और उसके बाद में इसको छोटे छोटे बाइट्स के रूप में कट कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि पहले तो जनरली जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही सर्व किया जाता था, लेकिन आजकल इस तरीके से भी सर्व करने लगे हैं और लोगों को काफी पसंद भी आता है, तो मैं दोनों तरीके आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ जो हमारा मसाला है उसको मैंने पानी के साथ में बटर के साथ में पहले ही पका के रख लिया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सेम उसी तरीके से हमने पका लिया। और अब हमारे जो पाव के पीसीज हैं जो हमने कट किए थे वो इसके में डाल करके हम इसको मिक्स करेंगे। अगेन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक इस पाव को मसाले के साथ में नहीं पकाना है, क्योंकि जो मसाला है वो काफ़ी गर्म है तो हमारे पाव को वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पहले ही बना देगा। तो ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है, हल्का सा मिक्स किया और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पर आप प्रोसेस चीज़ डाल सकते हैं या फिर मोज़रेला, मेरे पास इस टाइम मोज़रेला चीज़ अवेलेबल है तो मैंने वो डाल दिया, फिर चीज़ स्लाइस भी आप डाल सकते हैं, वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो आप इसके बिना भी सर्व कर सकते हैं, उसके बिना भी बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर जो हमारा मसाला गर्म है उसकी वजह से जो हमारी चीज़ है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे लगभग एक से दो मिनट में देखिए चीज़ भी हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। बस इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। तो बस आपको अब इस टाइम पर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम लोग सर्व करेंगे।
ये भी हमारा जो पाव का तरीका है बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसको सर्व कर लेते हैं देखिए। और ये देखिए चीज़ हमारा किस तरीके से खिंच रहा है, कितना कितना खिंचाव आ रहा है देखिए। एकदम परफेक्ट हमारा पाव बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना चीज़ी सा हमारा ये पाव मसाला पाव बनकर तैयार है। और ये हमारा रेगुलर वाला मसाला पाव है जो कि मोस्टली इस तरह से स्ट्रीट फूड में बिकता है, ये वो वाला है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ये मसाला पाव, एकदम परफेक्ट, मुंह में पानी आने लगेगा, इतना परफेक्ट बना है। तो आपको ये मसाला पाव की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा, ये जिस तरीके से मैंने ये वाला बताया है ये, या फिर हम जो कट करके बताया है मैंने चीज़ के साथ में, वो अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो रेगुलर वाला ही ज़्यादा पसंद है बजाय चीज़ के, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम मसालेदार चटकारेदार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए बाय बाय, थैंक यू।